हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चना है, इससे हम एक ऐसी टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं जो कि बनाने के बाद आपको दाल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दाल और सब्जी दोनों का काम करेगी और बहुत ही टेस्टी बनती तो है। अगर अगर आपने आपने नहीं खाई है तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे, और आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चने लिए हैं, आलू लिए हैं, और चना मैंने रात भर सोख कर दिया था पानी में। प्याज, टमाटर, कटे हुए धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, अदरक है और लहसुन की पेस्ट है। तो ये हो गए, और इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाला पाउडर लिए हैं, जैसे रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है, आप देख सकते हैं डब्बे में टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर वो है, भी अच्छी अच्छी धनिया चीज़ें पाउडर, अच्छी गरम चीज़ें मसाला अच्छी है ये, चीज़ें उसके साथ धनिया पाउडर है। तो ये सब हमें कुछ पाउडर लेने हैं, पाउडर मसाला जो जनरली हमें किचन में यूज करते हैं वही सब है। बाकी यहाँ पे मैंने गोल मिर्च लिए हैं, यहाँ पे मैं जीरा है, जीरा सीड है, और ये धनिया की सीड है, कोरिएंडर सीड। इसके साथ में यहाँ पे छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम थोड़ी थोड़ी यूज करने वाले हैं, इतने नहीं डालने वाले हैं। तो मैं आपको मेज़र करके बताऊँगी। चना है, इसके हमें पीस कर इसकी एक हमें पेस्ट बना लेनी है चने की। और यहाँ हम मसाले कुछ रेडी करेंगे, उसे भी हमें पेस्ट बना लेना है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो कटे हुए प्याज लिए हैं उसमें से ही मैं थोड़े से प्याज इसमें लूँगी, और उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसकी हम एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, अभी मैं इसमें डालूँगी धनिया की सीड जो मैंने लिए थे। तो धनिया डाल दिया, खड़ा धनिया, और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं गोल मिर्च डाल रही हूँ, कम 20 से 25 दाने इसके होंगे गोल मिर्च के। और यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ली है, तो चार चार डाल दिए हैं मैंने। आप अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, एक बड़ी इलायची भी। और यहाँ मैं थोड़े से रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, मतलब जितना हमें उस चने के की सब्जी को बनाने के लिए चाहिए बस उतने मिर्ची यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब हम ऊपर से नहीं लेने वाले हैं, तो हमें मसाला रेडी करना था। यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया 2 चम्मच, और यहाँ मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। तो नमक भी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, जितने आप चने की सब्जी बना रहे हैं उसी के हिसाब से। और इस तरह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है, जिसमें जीरा पाउडर मिक्स है इसलिए मैंने इसे डाला है। वैसे हमने धनिया की सीड डाली ली थी, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा धनिया डालना भी नहीं है। अब इन सब की हमें हल्का सा मैं पानी दे करके इसकी एक पेस्ट बना लूँगी, और चने को भी हमें पीस लेना है सबको, तब हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं पहले कढ़ाई को मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे गर्म होने के लिए, और हमने यहाँ पे सारे पेस्ट रेडी कर लिए हैं। तो ये चना पीस गई है, देख सकते हैं, ऐसे ही हमें दरदरी पीसनी है, एकदम पेस्ट नहीं बनानी है इसकी हमें। तो ये भी हो गई है, अब यहाँ पे मैंने मसाले भी पीस लिए हैं, ये भी देखिए ये भी रेडी हो चुकी है, पीस गई है। तो बस मसाले और चने सब रेडी हैं पीस करके, तो अब हम बनाना भी शुरू करेंगे। तो मैं मसाले को तो मसाले निकाल लिए हमने, अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, सरसों का तेल, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। तो ऐसे सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, लेकिन आप जो ही ऑयल यूज करते हैं आप वही लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, अब हमारी ऑयल हो रही है गर्म, तो उसे हम अच्छे से गर्म होने दें। यहाँ देख सकते हैं कि धुआं उठना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा, और मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि इसके बिना चना की सब्जी जो है वो अधूरी है। और हमने यहाँ पे जो कटे प्याज जितने लिए थे, तो मैंने 2 बड़े प्याज कट किए थे, जिसमें थोड़ा सा हमने मसाला के का पेस्ट रेडी किया है, तो थोड़े से में मतलब हाफ़ में, और यहाँ पर 1½ मतलब 1.5 प्याज हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। और अब हमें इन प्याज को करना है थोड़ा फ्राई, जैसे ही ये कलर चेंज करने लगेंगे उसके बाद हम कुछ और इसमें ऐड करने वाले हैं। तो पूरी देखते रहिए वीडियो को,
और फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या आप मेरी वीडियो को सर्च करके देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिया जो कि प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, कलर चेंज हो रहा है जैसे देख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ आलू डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा ढक कर के भूनने वाले हैं। और फ्रेंड आप मेरी अगर रेसिपी देखते हैं और आपको और भी तरह की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। तो मतलब आप अगर बताएंगे तो मैं और भी जो आपके अकॉर्डिंग जो आप बोलिएगा उसके हिसाब से भी मैं वीडियो बना करके लाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चने मैंने यहाँ पर खड़े रख लिए तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है तो वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से पहले इन सारे मसालों को हम भून लेते हैं, मतलब सब्जियाँ भून जाएगी, प्याज थोड़े से फ्राई अच्छे फ्राई हो जाएंगे। तब हम यहाँ पे मैंने जो लहसुन के पेस्ट लिए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इन सब को हमें डालना है और अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून जाएंगे। अभी जो मसाले हमने रेडी किए थे वो मसाले डाल देने हैं। इसके बाद मैं सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला ही ऐड करने वाली हूँ, बाकी इसमें नमक वमक सब डाला हुआ है तो आपको कोई भी मसाला आप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसालों को। अब हमें मसालों को थोड़ा फ्राई अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने मसाले जो इस बाउल में लिए थे उसमें पानी डाल के मैंने डाल दिया थोड़ा सा और अब हमें अच्छे से फ्राई करना है इन मसालों को। और उसके बाद जो चना हमने पीसा था उसे भी हमें डाल देना है साथ में क्योंकि अब हमें इन्हें भी फ्राई करना है और अच्छे से फ्राई करना है। तो अब आप देखते रहिए, अब हमें यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है और गैस की फ्लेम जो है उसे हमें मीडियम पे अभी रखनी है और इसे हमें जलने नहीं देना है, कंटिन्यूटी में हमें चलाते रहना है, अच्छे से भूनना जिससे कि चने भी भून जाए, मसाले भी भून जाएंगे और अच्छे से भूनना है। नहीं तो फिर अगर चने भूनेंगे नहीं तो थोड़े से टेस्ट अलग उसके लगेंगे। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ी सी लगने लगे अगर तो उसको इसलिए आप कंटिन्यू इसे चलाते रहें जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी को गरम करके डाला है। तो चने की सब्जी में फ्रेंड आपको घी को थोड़ा सा घी का यूज़ करना है, आपको घी डालना है। तो मैंने यहाँ पे फ्राई करते समय भी डाला है और जब आप इसे सर्व करेंगे बन जाने के बाद जब आपको इसको सर्व करना होगा तो ऊपर से आप थोड़ी सी घी गरम करके बाउल में जब आप सब्जी निकाल लें तो घी ऊपर से थोड़ी सी घी डालें तो इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। तो घी के साथ में ना इस चने की ये सब्जी है ना इसके टेस्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह की सब्जी बनाएं ना तो ये सब्जी ऐसी है जो दाल और सब्जी दोनों का काम करती है। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं तो ये जब सब्जी आप बनाएंगे तो आपको दाल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने अदरक, घसी हुई अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो अब हमें इन सबको अच्छे से करना है मिक्स।
अब यहाँ पे हम थोड़े से गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और उस मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमें पानी ऐड करना है। तो पहले इन मसालों को मिक्स कर लेंगे हम। और फ्रेंड, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये अगर आप ये सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो आपको दाल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और चावल के साथ बहुत टेस्टी है। चावल, रोटी, पराठे सबके साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट होती है। तो ये दोनों काम करती है, दाल का भी काम करेगी, ये सब्ज़ी का भी काम करेगी। तो आपको अगर आपके घर में अगर सब्ज़ियाँ नहीं हो रही सब्ज़ी, तो भी आप इस सब्ज़ी को ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है ये। बस इसे आप चने जो हैं इन्हें हमें बस पीस के इसके साथ में बनाने होते हैं, लेकिन टेस्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी हमारी ये हो गई है फ्राई। तो मैंने यहाँ डाल दिया है पानी, और हमें पानी थोड़ा ज़्यादा करके डालना है, क्योंकि ये चना है तो ये पानी बहुत सोखता है, थोड़ा सोखता है। तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही पानी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा करके डालिए, क्योंकि और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से फिर आप इसको देखते रहेंगे। और इसमें हमें आलू को भी पकने देना है, टमाटर भी थोड़ी सी और अच्छे से गल जाएगी। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से इसमें थोड़े पानी ज़्यादा करके ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जितना मैं ऐड कर रही हूँ, आप उसी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़े से और सॉल्ट डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि सॉल्ट थोड़ा, नमक थोड़ा कम है, तो मैंने नमक को डाल दिया है। आप भी टेस्ट करके देख लीजिएगा कि नमक अगर कम हो तो आप थोड़े नमक और ऐड कर लीजिएगा। और मैं पानी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और हमें इसे पकने देना है, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से, जैसे इसमें बॉयल आने लगेगी या मुझे थोड़ा और पानी कम लगेगा, मैं थोड़ा और ऐड कर लूँगी। और जैसे ही बॉयल आने लगेंगे तो मैं इसे ढक के, कम से कम हमें इसे 7 से 8 मिनट हमें इसे पकाने हैं। तो मैं पानी थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कम करके इसे सिम पे छोड़ने वाले हैं, गैस को सिम करके, और 7 से 8 मिनट हम इसे पकने देंगे, जिसमें आलू पकी हुई है थोड़ी और पक जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी और मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। तो यहाँ पे अब आलू देख सकते हैं आप कि आधी ही पकी है, अभी आधी उसे पकनी है। तो ढक के हम आराम से इसे छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, लेकिन बीच में आप एक बार उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि वो नीचे से लगे नहीं, या पानी कम लगे तो पानी थोड़ा और ऐड कर लीजिए उसमें। तो इस तरह से हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ने वाले हैं, और 10 मिनट के बाद फिर देखेंगे क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये सब्ज़ी है ये पककर हो गई है रेडी, कलर भी इसके बहुत अच्छे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये रेसिपी है वो रेडी हो गई है। तो इसको हम जब सर्व करेंगे तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डाल करके इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी ये दाल और सब्ज़ी दोनों का काम करने वाली ये चने की सब्ज़ी हो गई है रेडी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और बेल के आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो